Hi everyone, this is Manji from evidyarthi.in. Let's start question number 5, exercise 4.1. Write the following equation in statement form. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितनी भी आपको यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इनकी स्टेटमेंट बनानी है. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्टेटमेंट्स गिवन थी, हमने उससे इक्वेशंस बनाई थी. अब उसका रिवर्स करना है, आपके पास इक्वेशंस है, स्टेटमेंट आपको बनानी है. सो फर्स्ट में हमारे पास है पी प्लस 4 इक्वल्स टू 15. मतलब कि इसमें तो सिंपल हो सकते हैं, पी और 4 को एड किया सो 15 आ गया. तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, the sum of p and 4 is 15. Simple. The sum का मतलब p plus 4 is 15 equals to 15. So ये equation है और ये इसकी statement है. Second part पे आ जाते हैं. m minus 7 equals to 3 दे रखा है. So इसमें वैसे कर सकते हैं, 7 subtracted from m gives 3. Because 7 subtract करना है m में से. अगर आप m subtracted from 7 करोगे तो वो गलत हो जाएगा. Because m subtracted from 7 मतलब 7 में से m minus करना. लेकिन m 7 subtracted from m का मतलब m में से 7 minus करना. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हम m में से 7 minus कर रहे हैं, 7 में से m नहीं कर रहे. ठीक है, सो 7 subtracted from m is, answer kya aayega, 3. Fine. So the statement will be 7 subtracted from m is 3. Now third part mein hamare paas hai 2m is equals to 7. Matlab m ka 2 times kya aayega, 7. So we can write it as 2 times of m is kitna hai, 7. So matlab 2m equals to 7. Now fourth part mein m ko divide kiya hai 5 se aur usse answer aaya 3. To ek to aap likh sakte ho, the number m divided by 5 gives 3. Theek hai, kyunki yahan pe isse divide ho raha hai. But iske alawa, जैसे हमने प्रीवियस स्टेटमेंट्स देखे थे, आप 1 अपॉन 5 इंटू एम की तरह अगर इसे देखो तो आप 1/5 ऑफ एम भी लिख सकते हो. ठीक है, दोनों करेक्ट है, बट यू कैन चूज एनी ऑफ दीज. सो आई गो विथ 1/5 ऑफ किसका, एम का. 1/5 ऑफ एम इज 3. ठीक है, नाउ 1/5 ऑफ m मतलब m अपॉन 5 इज 3 इक्वल्स टू 3. नाउ फिफ्थ पार्ट, 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6. अब 3m अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ m. ठीक है, वरना अगर आप इसे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में करना चाहो, सो 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 विल गिव 6. सो इसको इतना लॉन्ग करने की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 ऑफ m इज 6. सो इसमें हम लिखेंगे 3/5 ऑफ m, मतलब कि m का 3/5 इज 6. ठीक है, इसकी जगह आप इट गिव्स या सिर्फ गिव्स ये भी लिख सकते हो. ठीक है, सो 6 पे आ जाते हैं. 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25. मतलब कि पहले p का 3 टाइम्स किया, उसमें 4 ऐड किया तो आंसर आएगा 25. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p, बिकॉज p का 3 टाइम किया है ना, सो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p when added with 4 gives 25. अब जो हमने स्टेटमेंट बनाई है उसका मीनिंग क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p, मतलब p का 3 टाइम्स, दैट इज 3p, when added with 4, जब हम उसको एड करेंगे 4 से, इट गिव्स
25, मतलब 3p को जब हम ऐड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर आएगा 25, विच इज आवर इक्वेशन. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18. 4p मतलब p का 4 टाइम, माइनस 2 सब्ट्रैक्ट 2 इक्वल्स टू 18, सो आंसर आएगा 18. सो वी कैन राइट इट एज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब 2 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 40 में से. सो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p या 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p गिव्स क्या आगे क्या लिखेंगे, जो आंसर देगा वो. सो आंसर क्या दे रहा है, 18. सो गिव्स 18 means 2 subtracted from, 2 को subtract करेंगे किस में से, 4 times of p, 4p में से, so the answer will be 18. Okay, now 8th part में हमारे पास है 5 upon 2 plus 2 equals to 8. अब p upon 2 को आप कैसे लिख सकते हो, या तो आप इसे लिखोगे p divided by 2, वरना इट इज 1 upon 2 into p. 1 upon 2 का मतलब क्या है, हाफ. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ p when added with 2, मतलब कि इफ आई राइट इट एज हाफ ऑफ p when added with 2. अब हाफ ऑफ p का मतलब क्या है, हाफ, 1 upon 2 is half of p is 1 upon 2p which will be equal to p upon 2. So, half of p when added with 2. अब half of p here when added with 2, जब इसमें हम 2 add करेंगे, so it will give 8, means gives 8. So, this is the statement. So, इस वे में आपके पास अगर equations है, तो आप उसकी statement form कर सकते हो. Fine. This was about question number 5. Let's start the next question.